गाइस, डीआईवाई बाय मौसमी चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी मसाले भात है, उसको हम आलू भात भी बोलते हैं। उसका मैंने साहित्य ले लिया है, तो ये हमारे कच्चे मसाले हैं, हमें इसको कच्चे ही पीसना है। तो मैं पहले इसको दिखा देती हूँ। इसमें हमने धनिया लिया है, दो तीन ये हरी इलायची ली है, ये बड़ी वाली बड़ी इलायची ली है दो तीन, और कलमी का सेंट उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है मसाले भात में, तो कलमी का, तो मैंने ये दालचीनी ज़्यादा सेंट रहता है, तो दालचीनी मैंने ज़्यादा ली है, और जीरा भी लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और इसको हम कूट लेंगे, एक तो खलबत्ते में कूट लेंगे, या फिर मिक्सी में अगर आप आता होगा इतनी छोटी, नहीं तो आपको क्वांटिटी थोड़ी बड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, तो अगर इतना मिक्सी में आप पीस सको तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हो। तो ये हमारे खड़े मसाले हैं, ये हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐसे ही पीसना है। मसाले भात के लिए हम लोगों को कच्चा मसाला ही चाहिए रहता है, उसी से हमारा मसाले भात अच्छा बनता है। और फिर हमने ये लिए है, आलू भात है हमारा, तो हमने आलू लिए है 3 मीडियम साइज़ के हैं, प्याज लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट और करेंगे, और उसके साथ हम मिर्ची भी पीस लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी भी डालेंगे, और बघार के लिए हम तेजपत्ता, कलमी, दालचीनी, इसको कलमी भी बोलते हैं मराठी में, और दालचीनी हिंदी में बोलते हैं, तो और काली मिर्च लिए है, और गार्निशिंग के लिए हमने कोरिएंडर लिया है, धनिया पत्ता लिया है, और मेरे पास ये पीज है जो फ्रोजन है, तो इसको मैं थोड़ा गार्निशिंग के लिए लूँगी, तो इसको ऊपर से डालूँगी, इसको पकाऊँगी नहीं। और फिर हमने ये सब साहित्य लिया है, इसके लिए मैंने 2 ग्लास चावल लिए है, उसके धो लिए है, यानी इसको धोकर रखना पड़ता है, तभी हमारा मसाले भात, यानी मसाले भात एक्चुअली खिला खिला नहीं रहता, जैसे बिरयानी खिली खिली रहती वैसे खिला खिला नहीं रहता, उसकी वजह से हमने ये धोकर रखा है। अगर हमें कुछ भी चीज़ें राइस की जो चावल की खिली खिली लगती है, वो हमें पानी में भिगा कर रखना पड़ता है, ताकि पानी इतना इतना रहे चावल के ऊपर, तब नहीं तो ऐसे ये चावल है थोड़ा सा टूटता है और थोड़ा सा ऐसे गीला सा होता है, तो मसाले भात हमारा वैसे ही रहता है, एकदम ऐसे खिला खिला मसाले भात नहीं रहता है। तो अभी हम प्रोसीजर चालू करेंगे बनाना, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो बीच में डालूंगी, तब बता दूंगी कि मैंने अभी क्या डाला है। अभी हम पहले इसको कूट लेंगे, पीसना नहीं है, हमें पेस्ट नहीं बनाना है, अदरक लहसुन और मिर्ची को इमाम दस्ते में कूट लेंगे हम। हम अभी गंजी में तेल डालेंगे, तेल भी आप अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि कम भी रखे तो भी चलता, क्योंकि बाद में हमें ऊपर से एक तो पहले पहले जब घी किसी के पास नहीं रहता था तो कोई डालडा भी डालते थे, तो कोई डालडा भी डालते हैं जिसको वनस्पति घी बोलते हैं, और कोई घी भी डालते हैं, तो हमें घी भी डालना है, तो इसीलिए हम अभी तेल कम ले रहे हैं। गरम तो होते हम तेजपान डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे, और फिर हम प्याज डालेंगे, ये हमने पानी लिया है 4 ग्लास गंजी में, इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे चावल 2 ग्लास है, तो ऐसे बोलते हैं कि डबल पानी लेना, लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा भी होती है पानी की क्वांटिटी, फिर भी हमने 4 ग्लास ले लिया क्योंकि चावल हमारे 2 ग्लास है। तो और फिर हम बटाटा भी डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा लगेगा, तो ये हमने 4 ग्लास पानी ले लिया है। अगर हमें कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा ऐसे, तो फिर हम थोड़ा सा गर्म करके पानी ऊपर से थोड़ा डाल सकते हैं। हमारे प्याज जो है सुनहरे हो गए हैं, हमने जो अभी अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था इमाम दस्ते में कूट कर, वो डाल दिए हैं, और हम इसको स्लो में पकाएंगे, क्योंकि हम इसको स्लो में पकाएंगे तो ये थोड़े से अच्छे से इसका स्मेल चला जाएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे,
बटाटे डालेंगे। बटाटे के छिलके नहीं निकालना है हमें, ऐसे ही डालना है। और जो चावल हमने धोकर रखे थे वो डालना है, उसको थोड़ा सा स्टर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये चावल ऐसे हम लोग जब भी इसमें स्टर करते हैं तो ये टूटते हैं। तो अब हमने ये पानी उबालने के लिए रखा था, अब हम इसको इसमें पानी डालेंगे। और जो हमने अभी मसाला बनाया था, धनिया, जीरा और दालचीनी लेकर, जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची थी, लौंग भी थी, तो जो हमने कच्चा मसाला पीसे थे जिसको हमने भुने नहीं थे, तो वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं। तो अभी हम ये डालेंगे इसमें। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है क्योंकि हमें मिक्सी में चलाना पड़ता है, तो कम क्वांटिटी में बना नहीं सकते हम, तो ये ज़्यादा होता है। लेकिन हम ये 3 टेबलस्पून है तो हम इतना नहीं डालेंगे, हम 2 ही टेबलस्पून डालेंगे। और गैस मैं थोड़ा सा अंदाज से ही डाल देती हूँ, मैं गिन गिन के नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ। तो ये डालेंगे हम अभी अभी हमें नमक डालना है। 1 ग्लास के लिए 1 टेबलस्पून बहुत हो जाता है, तो ये 1 टेबलस्पून लेंगे हम इसमें। 2 ग्लास के लिए हम 1.5 टेबलस्पून नमक लेंगे। और नमक का आपको अगर पता हो कि इसमें इतना नमक ज्यादा होगा या कम होगा, तो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि सब लोगों को नमक कम या ज्यादा ऐसे लगता है, इसीलिए। अभी हम चावल को ढक देंगे। गाइस, मसाले भात के लिए कड़ी बहुत आवश्यक लगती है, सभी लोग पसंद करते हैं कि मसाले भात हो तो कड़ी चाहिए, सबकी डिमांड भी रहती है। तो मैंने कड़ी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और अभी मैं कड़ी बनाऊंगी तो उसकी प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आलू बोंडा और कड़ी की जो रेसिपी डाली है उसमें मैंने कड़ी की रेसिपी पहले डाली है, तो आप देख लीजिए। चावल को उबाल आ गया है, तो अभी हम गैस कम करेंगे और सिम पे पकाएंगे। गैस, हमारा अभी मसाले भात हो गया है, और ये मसाला हम पिसा हुआ ऊपर से और थोड़ा डालेंगे स्मेल के लिए, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, पीस रखे थे फ्रोजन वो भी डालेंगे। कैसे हमारा हो गया अभी मसाले भात। अभी हम जब ये सर्व करेंगे गाइस, तो हम थोड़ा सा घी डालें तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, तो आप अपने हिसाब से घी डालिए।